बन तो ऐसे रहे जैसे पहली बार है। सजना सवरना सिर्फ मेरे लिए। जब मेरा मन करेगा मैं तब आऊंगी। चल निकल यहाँ से। कहाँ मिलेंगे और कैसे मिलेंगे? मेरे कमरे में। वाह। मेरी बीवी को नहाते हुए देखता तुम? शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। बन तो ऐसे रहे जैसे पहली बार है। किसी ने देख लिया तो? कौन सा पहली बार है? भाभी आपके जैसे ना आलू के पराठे कोई भी नहीं बना सकता सच में। बिल्कुल सही कह रही हो जिया, मेरी बड़ी बहू के हाथ के पराठे का जवाब ही नहीं है। बिल्कुल सही कहा माँ, रेशमा के हाथों में जादू है। भाभी एक पराठा। क्या कर रहा था? क्या देख रहा था? रेशमा को गलत नजर से देख रहा था तू? नहीं नहीं साहब, मैं भाभी जी को नहीं देख रहा था। मुझे बिल्कुल समझा तू? नहीं साहब। क्या हुआ, क्या है? रेशमा ये तुम्हें गलत नजर से देख रहा था। नहीं साहब, मैं तो कुर्सी देख रहा था, मुझे लगा भाभी जी का पल्लू उस पर अटक गया है। पागल समझा मुझे? आपको गलत फहमी हुई है, राजू बहुत बोला है। मम्मी जी। जेठ जी, भाभी सही कह रहे हैं, राजू कुछ ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकता है, प्लीज उसे छोड़ दीजिए। मैं किसी की कोई बात नहीं सुनूंगा। अशोक बेटा छोड़ दे राजू को, राजू ऐसा लड़का नहीं है, छोड़ दे बेटा। माँ तुमने कहा इसलिए छोड़ दिया इसे, लेकिन इसके आगे इसने कोई भी हरकत की जान से मार दूंगा, समझ लेना। हाय बेबी, कैसे हो? तुम्हें पता है आज मुझे मेरे डांस टीचर डांस सिखाने आने वाले। फाइनली मेरा सपना पूरा होने वाला है। और देखना,
तुम मुझे ना वहां बैठे बैठे टीवी पे देखोगे। मुझे भी उस दिन का इंतजार है। अच्छा मुझे ये बताओ कब मुझसे मिलने आ रहे हो? यार अभी नया प्रोजेक्ट शुरू हुआ है इसलिए अभी छुट्टी मिलना मुश्किल है। 6 महीने बाद मिलेगी तो आ जाऊंगा। 6 महीने तब तक तो मैं वो ट्रॉफी भी जीत लूंगी। और मैं तुम्हें मुबारकबाद देने आऊंगा। हाँ ये कर सकते हो। बाय। मेरे लिए इतने थप्पड़ खा लिए, इतना प्यार करता है मुझसे। अच्छा बता देख क्या रहा था? कुछ नहीं। बोलना। मेरा इरादा नहीं था, बस नजर चली गई। अच्छा तो देख नहीं पाया। तो अब देख लो। माँ जी आपकी रात की दवाई खत्म हो गई, मैं कल मंगवा दूंगी, और आपके पैरों के दर्द का तेल भी। मेरी बहुओं के होते हुए मुझे कभी भी किसी चीज की कमी महसूस नहीं हुई। मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मेरी कोई बेटी नहीं है। भगवान ऐसे ही मेरे बच्चों का और मेरा साथ हमेशा बना के रखे। माँ जी देखो जरा कौन है। जिया जी है? जिया हाय आई आई। जिया हाँ भाभी। भाभी ये मेरी डांस टीचर है। अच्छा सर ये मेरी सासू माँ है और ये मेरी जेठानी है। नमस्ते। जिया शुरू करें? हाँ मैं चेंज करके आती हूँ। ये मुझे दे, तू जाके कुछ और काम कर जा। हाय। हाय। आप सच में भाभी हमारा कितना ध्यान रखती है। और वैसे भी आज धूप ना बहुत ज्यादा था। हाँ आप बहुत अच्छा डांस करते हैं सच्ची, और आपकी बॉडी भी बहुत फिट है, मैं तो आपकी फैन हो गई सच्ची। अरे नहीं थैंक यू सो मच, वो तो हम फिटनेस में इसीलिए थोड़ा बहुत। ये भी बहुत अच्छा डांस कर रही है फिलहाल। थैंक यू। क्या कर रहे ये? माँ जी सो रही है और जिया डांस कर रही है। क्यों देख रहे हो, अच्छी नहीं लग रही?
बहुत सुंदर दिख रहे, पर यही तो प्रॉब्लम है। तो ये सचने सवरने की क्या जरूरत है? कोई तुम्हें देखेगा मुझे पसंद नहीं आएगा। सचना सवरना सिर्फ मेरे लिए और किसी के लिए नहीं। जाओ, सिंपल सा ड्रेस पहन के यहाँ मेकअप भी सिंपल कर। चले पीछे पीछे आगे okay. और ये इसको ना आप एक फ्लो में लेना है ऐसे, ये पोस्चर, क्योंकि पोस्चर जब रहता है आप एट कर तो कमर से तो ये प्रॉपर पोस्चर जाएगा ठीक है। आइए आइए जूस, थक गए होगे ना? थैंक यू सो मच। तुम्हें डांस करता हुआ देख के ना मुझे बहुत खुशी होती है, मुझे तो मेरे कॉलेज के दिन याद आ जाते हैं। मतलब भाभी आप भी डांस करती थी? और नहीं तो क्या, डांस ही तो मेरी हॉबी थी, पर शादी के बाद सब कुछ बंद हो गया। पर तुम्हें ऐसे डांस करते हुए देख के मेरा बहुत मन करता है सच्ची। अरे भाभी फिर तो आपको भी शुरू करना चाहिए डांस। अरे नहीं नहीं क्यों नहीं, अगर आपको डांसिंग इतनी पसंद है तो आप अपनी हॉबी शुरू कर सकती हैं। वैसे दिल की इच्छाओं को ऐसे नहीं मानना चाहिए। हाँ भाभी, और एक आइडिया भी है, आप ना मेरे साथ ही रिहर्सल शुरू कर दो, और गौतम सर है ना वो सिखा देंगे, क्यों गौतम सर? हाँ बिल्कुल, करते हैं ना साथ में। हाँ, हाँ। कितना अच्छा है। हाँ तो फिर ठीक है ना, वो रात को आएंगे, मैं उनसे बात करती हूँ। <है ना? laughs> अशोक, अशोक सोना। जिया कितना अच्छा डांस करने लग गई है पता है? क्या जिया? बहुत अच्छा डांस करने लग गई है, उसके टीचर ने इतनी जल्दी उसे ट्रेन कर दिया। अच्छा तुम्हें पता है ना मुझे डांस का कितना शौक है, मेरी हॉबी थी डांस। हाँ पता है, मुझे भी सीखना है, प्लीज ना, मुझे भी सीखना है प्लीज। ठीक है, ओके, थैंक यू। च
चलो तुम भी अपने दिल की ख्वाहिश पूरी कर लो। वैसे भी इंसान को कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। भाभी आप भी तैयार हो के आ जाइए, गौतम सर के आने का टाइम भी हो गया है। नहीं नहीं मैं अभी तुम्हारे साथ ज्वाइन नहीं करूँगी। क्यों, कुछ हुआ क्या भाभी? मैं तुम्हारे साथ ज्वाइन करूँगी तो तुम्हें मेरे साथ पीछे से सीखना पड़ेगा, तो तुम अभी क्लास ले लो, है ना? भाभी मेरा है ना रिवीजन हो जाएगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे समझो, तुम्हें कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना है, मेरी वजह से पीछे आ जाओगी, मैं उनके साथ अलग क्लास ले लूँगी। ठीक है। चलिए मम्मी जी आप आराम कर लीजिए, मैं आपको कमरे में लिटा देती हूँ। ठीक है बेटा। नौकर है नौकर की औकात में रहे। मैं तो आपके पास इसलिए आया क्योंकि इस समय तो आप आती थी ना मेरे पास। तो मैं आई आज नहीं ना? हुँ? तो तू आ जाएगा? कान खोल कर ना सुन ले ये, जब मेरा मन करेगा मैं तब आऊंगी, अपनी मर्जी से हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना। चल निकल यहाँ से, चल निकल। शुरू करें? हाँ, लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज एंड ऑल थोड़ा। ठीक है, मैं आपको तीन वार्म अप एक्सरसाइज बताता हूँ, आप अकॉर्डिंगली करते जाइए। ठीक है, जैसा आप। तो एक तो आप अपना हाथ ऊपर करोगे, ठीक है, टिल्ट करोगे शिफ्ट इधर राइट एंड लेफ्ट। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे हिप रोटेशन, स्लोली स्टेडिली आराम से करेंगे एंड रिवर्स। थर्ड हम स्ट्रेच करेंगे मसल्स अपने ऐसे। ठीक है, आप स्टार्ट करिए। हाँ, हाथ ठीक से उठाए। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा फ्लेक्स करिए हाथ को अपने। यस, गुड। एंड देन शिफ्ट, थोड़ा सा स्ट्रेच योर मसल्स। नाइस, हिप रोटेशन करते हैं। हाँ ठीक है, करिए। ये नहीं, ये नहीं, आपको प्लीज ये जगह से, मैंने आपको बताया ना, जैसे ये आपको ठीक ये रोटेट करना है। चलिए स्लोली करिए। हाँ नाइस, अब ठीक है? हाँ हाँ, रिवर्स करते हैं। हाँ हाँ, वेरी गुड, नाइस। अब हम करते हैं वो स्ट्रेचिंग वाला। तो अपना हाथ इधर लीजिए एंड इसको पकड़िए एंड मसल्स को धीरे से स्ट्रेच कीजिए। हाँ, लेफ्ट। आपका ध्यान कहाँ है, आपका फोकस कहाँ है? आप तप से गलत गलत एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। आप ही की तो मेहरबानी है, आपको देखकर ही सब कुछ भूल रही हूँ, ध्यान ही नहीं हट रहा आपसे। मेरा मतलब है आप इतने परफेक्ट है ना, तो मैं नर्वस हो रही हूँ।
पीजी क्यों नहीं आई अब तक? मुझे आज रात को तुम चाहिए हो। क्या पागल हो गई हो क्या? हम कहाँ मिलेंगे और कैसे मिलेंगे? यहीं मिलेंगे, इसी घर में, मेरे कमरे में। लेकिन कैसे? अशोक आज रात को काम से बाहर जा रहा है। लेकिन बाकी लोग? बाकी लोगों की चिंता मत करो, वो सब अपने कमरों में सो रहे होंगे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। हेलो, मैं दरवाजे के बाहर खड़ा हूँ। कोई देख तो नहीं लेगा ना? कोई नहीं देखेगा, सब सो रहे हैं अपने कमरे में, जिसके लिए आए वो करते हैं ना। तो बहुत ही कमाल हो। मैं भी चलता हूं। अच्छा, आप मुझे छोड़कर उस टास्क मास्टर से प्यार करने लगी ना? राजू, राजू ऐसा कुछ नहीं है, तू गलत सोच रहा है। मैं गलत नहीं सोच रहा हूँ, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। मुझे कुछ नहीं सुनना है, बस बहुत हुआ। इतने दिनों से मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, पर अब नहीं। मैं सबको बताऊंगा कि आप उस डांस मास्टर के साथ गुलझड़ रहे हो रानी। मेरी नौकरी जाती है ना, जाए जाए मेरी नौकरी, लेकिन मैं सबको बता के रहूंगा। आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। राजू, तू तो मेरा पहला प्यार है। नहीं राजू, मुझे अच्छा लगा तुझे जलन में, तू सिर्फ मुझसे प्यार करता है ना। मैं नहीं मानूंगा राजू। मैं किसी से प्यार नहीं करूंगी, मैं सिर्फ और सिर्फ तुझसे प्यार करूंगी। वादा? वादा? सच? सच्ची वादा। तू बस अब देखता जा, मैं तुझे कितने मजे करवाती हूँ। हाँ ठीक है, ओके। राजू जी। भाभी मैंने साड़ी रखी है, प्रेस कर देना, मैं नहाने जा रही हूँ। ठीक। रेशमा,
घटिया इंसान, मेरी बीवी को नहाते हुए देखता तुम? क्यों नहीं, क्या नहीं, क्या हुआ बेटा? ये बदतमीज घटिया इंसान रेशमा को नहाते हुए देख रहा था। हे भगवान। जी राजू, मैं तुझे कितना सीधा साधा समझती थी, तू मुझे इस गंदी नजर से देखता है? छी! तुझे तुमने पुलिस के हवाले करके रखा। चल। नहीं नहीं नहीं, हमारी ही बेइज्जती होगी, बात को ऐसे मत बढ़ाइए। छी राजू, तू इतना घटिया काम कैसे कर सकता है? हमने तुझे अपने भाई के जैसा समझा था और तू इतनी नीच हरकत, शर्म नहीं आई तुझे? क्या बोलो, क्यों मैं बोलूं? समझ नहीं आ रहा आपको कैसे बताऊं? अरे कुछ बताना है तो बेहिचक बताओ बेटा, क्या हुआ? माँ आपको बताना चाहिए या नहीं, हो सकता है माँ मैं गलत भी हूँ, जिस तरह भाभी और गौतम सर बात करते हैं, डांस करते हैं, मुझे उन्हें देख के बहुत अजीब सा लगता है। ये क्या कह रही हो जिया? हाँ माँ, उनका रिश्ता ना एक टीचर और एक स्टूडेंट की तरह नहीं लगता, वो बहुत ज्यादा करीब लगते हैं, बहुत ज्यादा फ्रेंड। जिया, वो आपस में अच्छे दोस्त हो सकते हैं, तुम्हें तो पता है रेशमा का नेचर कितना फ्रेंक है, तुम्हें कोई जरूर गलत फहमी हुई। माँ मैं एक दोस्ती के रिश्ते को बहुत अच्छे से समझती हूँ, और जिस तरह से वो लोग हैं, यकीन मानिए उनके बीच ना कुछ तो गलत है। ठीक है, मैं देखती हूँ, तुम परेशान हो। वाह बेटा, बहुत अच्छा लग रहा है, भगवान तेरी जैसी बहू हर किसी को दे। एक बात पूछूं बहू, बुरा तो नहीं मानोगी ना? अरे माँ जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? आप माँ हैं मेरी, और माँ की बात का कोई बुरा मान सकता है क्या भला? हाँ वो क्या है ना, जिया को तुम्हारे और डांस टीचर को लेके कुछ गलत फहमी हो गई। माँ जी, जिया की तो बात आप मत ही कीजिए, उसके पास उसका पति नहीं है ना अभी, मेरे पास मेरा पति है और मुझे वो सब कुछ मिल रहा है जो उसे नहीं मिल रहा, इसलिए बातें तो बनाएगी ही, जलती है वो मुझसे। सर और मेरे बीच में सिर्फ दोस्ती है, उसके हिसाब से औरत और मर्द का रिश्ता सिर्फ एक ही होता है क्या? अच्छा होगा, तू नाराज मत हो, पैर दबा। रेशमा जल्दी चलो, मंदिर जाने के लिए देर हो रही है। क्या हुआ, तुम तैयार नहीं हो? मेरा ना सर बहुत ज्यादा दुख रहा है। अच्छा बेटा, दर्द हो रहा है ना, तो तू दवा खा ले और आराम कर, हम लोग तब तक मंदिर होके आते हैं। जी माँ जी। अच्छा
तबीयत ज्यादा खराब होगी तो फोन कर देना। माँ जी हम लोग होके आते हैं मंदिर। हाँ भाभी हम लोग आते हैं, आप आराम कीजिए। हेलो जल्दी आ जाओ। माँ मैं अंदर से अपना वॉलेट लेके आया, बस एक मिनट में। तुम तो बहुत ही कमाल हो। कमरे में मेरे बेड पे तू इसकी सर, तुझे मैं बाद में देखूंगा, पहले इससे निपटूं। तुझे मेरी बीवी मिली थी अशोक, मुझे माफ कर दीजिए अशोक। रहा क्या तेरा, बोल बोल अब। क्या हो रहा है यहाँ? पीछे मत बोलिए और कोई इसकी तरफदारी नहीं करेगा। अभी ये घटिया औरत है, इसे क्या नहीं दिया मैंने, रानी बना के रखा, सब आयशो आराम दिया, लेकिन दूसरे मर्द के साथ गुलछड़े उड़ाने का बड़ा शौक है इसे। माँ मैंने आपको पहले ही बोला था पर आपने मेरी एक भी बात नहीं मानी, और मुझे लगा तुझे गलत फहमी हुई है, लेकिन ये तो सच में। इस मुझे माफ कर दो। माफ कर दूं? अरे माफी कैसे मांग सकती है तू? जी अब मुझे पता चला कि उस राजू की हिम्मत कैसे बढ़ी, जरूर तूने उसे उकसाया होगा। बोल सच में, तू चल अंदर चल। शर्म आनी चाहिए तुझे, मेरी बीवी होके तुझे मेरी इज्जत की कोई परवाह नहीं, लेकिन मुझे है। इसके बाद तू इसी कमरे में बंद रहेगी, आज से तेरी यही जिंदगी है, ना तू बाहर जाएगी ना कोई अंदर आएगा, और तू यही सड़ेगी समझी, यही रहेगी तू। माँ मैं कह दे रहा हूं ये दरवाजा नहीं खुलेगा, समझे आप लोग, समझे? दरवाजा खोलो जिया। जिया जाके दरवाजा खोलो। जी मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मैंने तुझे हमेशा अपनी बेटी समझा, तुझे एहसास भी है तूने क्या किया? एक ही झटके में तूने अपनी जिंदगी को स्वर्ग से नरक बना दिया। मैं जानती हूँ मेरी गलती है, भगवान ही मैंने क्या कर दिया, मैं कितनी बुरी हूँ। जिया जाओ रेशमा के लिए खाना लेके आओ। माँ जी
आप अशोक जी से बात कीजिए ना प्लीज। देख इस वक्त तो अशोक बहुत गुस्से में है, कुछ दिन रुक करके मैं उससे बात करती हूँ। कैसी हो तुम? कैसी होंगी? हाँ कैसी होंगी तुम्हारे बिना? अशोक ने मुझे कमरे में बंद करके रख दिया है। क्या? गौतम मुझे बचा लो यहाँ से। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मुझे इस जेल से निकालो गौतम, वरना मैं मर जाऊंगी गौतम। मैं भी नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। हमें एक होना होगा गौतम, कुछ भी करो। लेकिन कैसे? वो तुम्हारा पति अशोक, अगर उसे भनक लग गई ना तो हम दोनों को मार डालेगा वो। क्यों ना हम ही उसे मार दें? एक वही तो काटा है हमारे बीच में। ये क्या बोल रही हो तुम? यही एक तरीका है, अगर हमें एक होना है तो उसे रास्ते से हटाना ही होगा। गौतम तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? तुम मुझसे प्यार नहीं करते ना? मैं प्यार करता हूँ तुमसे, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। अगर किसी को पता चल गया ना हम दोनों जेल जाएंगे। तुम चिंता मत करो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। वो कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में है। वो अगर मारा भी गया तो ऐसा लगेगा कि किसी दुश्मन ने उसे जान से मार दिया। बस तुम किसी एक ऐसे आदमी को हायर करो जो ये काम आसानी से कर दे और किसी को पता भी ना चले। बस एक बार इस बेवकूफ की मदद से इस कैद से बाहर आ जाऊं। इस बेवकूफ को लगता है मैं इससे प्यार करती हूँ। इसे क्या पता मैं तो हर मर्द की दिल की धड़कन बनना चाहती हूँ। वाह रेशमा, क्या अदाएं हैं तेरी, मान गए। बस एक बार इस कैद से बाहर आ जाऊं फिर कोई भी तुझे छू नहीं पाएगा। मेरे जान पहचान का एक आदमी है और वो एक शूटर है, मैंने उससे बात कर ली है। हाय मेरी जान, तुमने तो कमाल कर दिया, हम पर बस शक ना जाए। हाँ लेकिन वो 1.5 लाख रुपए मांग रहा है। हाँ बोल दो उसे, मैं इंतजाम कर लूंगी। बस उसे कुछ एडवांस दे दो, एक बात बोलना उसे कि काम होने के बाद उसे सारा पैसा मिल जाएगा। हेलो बेबी, काम हो गया, अब हमारे अच्छे दिन शुरू, अब हम आजाद हुए। आ जाओ। रेशमा, रेशमा
क्यों, क्या हुआ? हैरानी हो रही है ना मुझे जिंदा देखकर? ये प्लान तुम्हारा नहीं था, प्लान मेरा था, और तुम मेरे प्लान में फंसी हो, ना कि मैं। मुझे पहले से पता था कि मुझ पर अटैक होने वाला है। दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं, मैं बताता हूँ कैसे। क्यों ना हम ही उसे मार दें, एक वही तो काटा है हमारे बीच में, यही एक तरीका है। अगर हमें एक होना है तो उसे रास्ते से हटाना ही होगा। बेटा मुझे तो बहुत डर लग रहा है, ये सब बहुत खतरनाक है, तू जल्द से जल्द इससे छुटकारा पा ले। पता नहीं कब का बनाया हुआ प्लान है ये सब। माँ तुम मेरी फिक्र मत, और उसे बोल के कोई फायदा नहीं, कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि वो मुझे फंसा देगी। उसका प्लान फेल करके मुझे अपना प्लान बनाना पड़ेगा। वो कैसे? सबसे पहले ये साबित करना होगा कि वो मुझे मारना चाहती है, उसके लिए मुझे सबूत इकट्ठे करना। वो तो मैं कर लूंगा माँ, जिस लाइन में हूं ना मैं, जिस बिजनेस में हूं, उसमें आए दिन गए ऐसे हादसे होते रहे, ये तो पता कर लूंगा कि मेरे नाम की सुपारी उसने किसको दी। मुझे मारने की सुपारी तुझे दी? तो यही कि तो गोली तू चलाएगा, लेकिन मैं मरना नहीं चाहता, और इसके लिए मैं तुझे डबल पेमेंट दूंगा, डबल पेमेंट इन एडवांस। मुझे पैसे से मतलब है, जो ज्यादा देगा मैं उसका काम करूंगा। दो दिन बाद के लिए मारने के लिए कहा ना तुझे, तू भी चलाएगा, याद रखना मैं मरना नहीं चाहिए। उस औरत के खिलाफ मुझे प्रूफ चाहिए, रंग के हाथ पकड़ना है मुझे। ठीक है, लेकिन पुलिस, पुलिस को मैं देख लूंगा। क्यों किया तुमने रेशमा? दिलो जान से तुमसे मोहब्बत करता था मैं, इतने प्यार से रिश्ता निभा रहा था मैं, सब कुछ दिया तुम्हें, रानी बनाकर रखा था मैंने। अब मानता हूं कि मेरे प्यार करने का तरीका थोड़ा अलग था, मैं पोसेसिव था, कोई और तुम्हें देखे, कोई और तुम्हारी तारीफ करे, मुझे पसंद नहीं था, क्योंकि क्योंकि मैं समझता था कि मेरा हक है तुम पर, लेकिन तुम्हारी तरह धोखेबाज नहीं था मैं। आती तुम होते कर इसके साथ, वो नौकर के साथ, अरे क्या कमी रह गई थी मुझे। मुझे मारने की साजिश क्यों रची थी रेशमा, क्यों, क्या बिगाड़ था मैंने तुम्हारा? बस जो तुमने किया है ना, इसके बाद अब मैं किसी और पे ट्रस्ट नहीं कर सकता। बस कांस्टेबल गिरफ्तार करो इन्हें।